गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी स्टडी अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ दैट इज गिवन इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th. सो वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्राफ. सो वी कैन सी हेयर दैट दिस वन वाई एक्सिस इन द ग्राफ वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेटेड बाई वेलोसिटी एंड इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. मीन्स इस ग्राफ में जो वाई एक्सिस है वो उस पर वेलोसिटी है और जिसके की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड है, और एक्स एक्सिस पर जो है वो टाइम है जिसकी यूनिट जो है वो सेकेंड है. तो यहाँ पर हमको ये ग्राफिकल लाइन मिलती है ए टू बी एंड बी टू सी. तो अगर इस ग्राफ में ए टू बी का अगर हम स्लोप फाइंड आउट करें तो बेसिकली हम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो ए टू बी का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन होगा. क्यों? क्योंकि ये जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब भी हम लोग स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो एक्सेलरेशन होता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो वो वेलोसिटी होती है. और वो कैसे होती है वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि स्लोप ए बी यानी कि ए टू बी लाइन के लिए जो स्लोप होगा उसका फॉर्मूला होता है डेल वाई अपॉन डेल एक्स. और यहाँ पर वाई एक्सिस पर क्या है, डेल वाई है जो है ये जो वाई एक्सिस पर क्या है वेलोसिटी है. तो डेल वाई की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल वी रख सकते हैं. और एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है. तो टाइम की जगह हम क्या रख सकते हैं, डेल टी रख सकते हैं, ठीक है. तो डेल वाई अपॉन डेल वी अपॉन डेल टी इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो डेल टी का मतलब होता है रेट, डेल का मतलब होता है चेंज, वी का मतलब होता है वेलोसिटी. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम लोग स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम किस चीज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं. तो अब हम लोगों को एक्सेलरेशन ए टू बी लाइन के लिए फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू है डेल वी अपॉन डेल टी. डेल वी का मतलब हो गया फाइनल वी माइनस इनिशियल वी, डेल टी का मतलब हो गया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम हो गया. अब हम लोग ग्राफ में देख लेंगे कि ये जो लाइन है ए टू बी इसमें ए इनिशियल पॉइंट है और बी जो है वो फाइनल पॉइंट है. तो फाइनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे पहले कि कितनी वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी 2 है यानी कि फाइनल वेलोसिटी 2 है. अब इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कितनी वेलोसिटी है, तो वो कितनी है, 0 है, ठीक है. इसी तरीके से फाइनल पॉइंट बी है तो फाइनल पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे टाइम कितना है. तो यहाँ पर आ जाएंगे टाइम एक्सिस पे, वो है 4, और इनिशियल पॉइंट क्या है, ए है, तो इसके रेस्पेक्ट में टाइम कितना है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0 है. तो बेसिकली हम लोग फॉर्मूले में क्या रखेंगे, फाइनल वी जो हो गया वो 2 हो गया, इनिशियल वी जो हो गया वो 0 हो गया, और फाइनल टाइम जो हो गया वो 4 हो गया, और इनिशियल टाइम जो हो गया वो 0 हो गया. मीन्स फाइनल वी जो है वो 2, इनिशियल वी 0, फाइनल टाइम जो है वो 4 है, इनिशियल टाइम 0 है. तो वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, और ये किसके इक्वल हो गई, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के. अब इसी तरीके से हम लोगों को इस लाइन का स्लोप पता करना है बी टू सी का. तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना होगा कि बी टू सी में जो बी है वो इनिशियल पॉइंट है और सी जो है वो फाइनल पॉइंट है. और स्लोप का फॉर्मूला क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल टी यानी कि फाइनल वी माइनस इनिशियल वी. तो सबसे पहले हम लोग फाइनल वी हम लोगों को देखना होगा. तो फाइनल पॉइंट क्या है, सी है, इसके रेस्पेक्ट में फाइनल वी देखें कितना आएगा, 0 आ रहा है, ठीक है. और इनिशियल पॉइंट क्या है, बी है, इसके रेस्पेक्ट में इनिशियल वी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0-2 हो गई, ठीक है. अब हम लोग फाइनल टी देखेंगे. तो फाइनल पॉइंट सी है, इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम है वो कितना है, 6 है. और इनिशियल टी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट के रेस्पेक्ट में टाइम. तो इनिशियल पॉइंट क्या है, बी है, इसके रेस्पेक्ट में जो टाइम आएगा वो कितना है, 4 है. तो टाइम की वैल्यू कितनी हो गई, फाइनल टाइम 6, इनिशियल टाइम 4, फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी 2. तो अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसमें, फॉर्मूले में. तो स्लोप बी सी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन बी टू सी. एक्सेलरेशन बी टू सी मीन्स डेल वी अपॉन डेल टी.
डेल वी का मतलब हो गया फाइनल वी माइनस इनिशियल वी, डेल्टी का मतलब हो गया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0 है, इनिशियल 2, फाइनल टाइम 6, इनिशियल टाइम 4। तो वैल्यू कितनी आ गई? -2/2 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स बी टू सी लाइन का जो एक्सेलरेशन है वो है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको पता है कि रिटार्डेशन हमको फाइंड आउट करना है, तो रिटार्डेशन जो होता है वो हमेशा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। रिटार्डेशन हमेशा नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन होता है। तो R इक्वल टू -A b to c, तो माइनस अपनी जगह पे रह गया और ए बी टू सी की वैल्यू कितनी आई थी? -1 आई थी। तो इस वैल्यू को हमने यहाँ रखा -1, तो माइनस माइनस कितने हो गए? प्लस हो गए। तो यानी कि रिटार्डेशन यहाँ पर कितना हो गया? +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।